नमस्कार जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी खबर आ रही है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई दोनों के ही रोल नंबर 15 नवंबर को आने वाले हैं। रेलवे ने ऑफिशियल अपडेट जारी की थी, लेकिन दोस्तों कल 15 नवंबर को रोल नंबर नहीं आ सके और दोस्तों आज आपके रोल नंबर जारी कर दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने रोल नंबर बिल्कुल एक क्लिक में आसानी से किस प्रकार से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े और पूरी जानकारी देखें, उससे पहले एक बार आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि अच्छी खबर और हम आपको सबसे पहले उपलब्ध करवा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल के ऊपर नए हो और आरपीएफ की ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि यहां पर आप आसानी से आरपीएफ की ऑनलाइन तैयारी कर सकें। अब देखिए दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई दोनों की अलग अलग वेबसाइट है, यह बात तो आपको पता ही होगा। उन दोनों वेबसाइट के ऊपर ही रोल नंबर जारी किए गए हैं। जिस प्रकार से पहले हम देख लेते हैं आरपीएफ कांस्टेबल की, तो दोस्तों ये यहां पर आपके सामने आरपीएफ कांस्टेबल की वेबसाइट है। इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आप इसे खोलेंगे आपके सामने देखिए यहां पर दो ऑप्शन है, एक तो प्रिंट एप्लीकेशन और दूसरा है सिक्योरिटी स्टेटस एंड रोल नंबर। दोस्तों ये ऑप्शन आज ही जोड़ा गया है सिक्योरिटी स्टेटस एंड रोल नंबर का, पहले सिर्फ यहां पर प्रिंट एप्लीकेशन होता था। तो दोस्तों रोल नंबर देखने के लिए सिंपली आपको जो ये ऑप्शन है यहां पर दूसरे नंबर का सिक्योरिटी स्टेटस एंड रोल नंबर जो कि एक फोटो के ऊपर है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ये देखिए आपके सामने नया पेज आ गया। अब आपको अपना ग्रुप सेलेक्ट करना है कि आपने किस ग्रुप से फॉर्म भरा था। क्या आपने जिस भी ग्रुप से फॉर्म भरा हो, ए बी सी डी कोई भी ग्रुप आपका, आप वही ग्रुप अपना सेलेक्ट कर लें। जिस प्रकार से हम एक बार उदाहरण के लिए ग्रुप डी को सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं आप देखिए नया पेज आ गया। अब दोस्तों आप इसको यहां पर दो चीजें पूछ रहा है, पहले रजिस्ट्रेशन नंबर, आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था फॉर्म भरवाने पर वो आपको डालना है, और उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो यहां पर डेट मंथ और ईयर के हिसाब से टाइप कर देनी है। फिर दोस्तों आपको यहां पर इंटर कैप्चा में ये जो कैप्चर कोड दिखाई दे रहा है ये टाइप करना है। हम आपको विद्यार्थी के तीनों इंफॉर्मेशन भर के दिखा देते हैं। अब दोस्तों आप देखिए यहां पर हमने तीनों चीज डाल दी हैं, ये रजिस्ट्रेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ आपको इस प्रकार से डालनी है, पहले अपना जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें दिन कौन सा है, उसके बाद में इस प्रकार से एक टिक लगा के फिर महीना और फिर एक टिक लगा के अपनी जो साल कौन सी है वो डालनी है, हमने तीनों डाल दी है। और अब आपको लॉग इन जो लाल रंग का बटन है इसके ऊपर क्लिक करना है। देखिए दोस्तों जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं यहां पर यह बता रहा है कि इनवैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ, वरना दोस्तों आपके सामने एक अगला पेज खुलेगा और दोस्तों उस पेज में आपको करना क्या है कि आपके सामने सीधा सा लिखाएगा कि रजिस्ट्रेशन नंबर आपका ये है, उसके बाद आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और फिर नीचे रोल नंबर भी लिखे आएंगे। आप अपने रोल नंबर देख करें किसी अपनी कॉपी में या डायरी में नोट कर लेना, ये आपको बाद में काम आने वाले हैं। और दोस्तों आपको ऊपर ऊपर एक लाइन दिखाई देगी कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है रिजेक्ट, आप उसको भी देख लेना। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है तो आपके लिए दोस्तों बुरी खबर है क्योंकि कुछ विद्यार्थियों का फॉर्म रिजेक्ट भी कर दिया गया है। और दोस्तों अगर आप इसी प्रकार से आरपीएफ एसआई की चेक करना चाहते हैं तो ये आरपीएफ एसआई की वेबसाइट है, इसका लिंक भी वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में है। यहां पर आकर आपको सेम यही ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, इसके बाद में सेम यही ग्रुप पूछेगा, अपना एक कोई भी ग्रुप सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद में यहां पर आपको वही रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चर कोड डाल के लॉगिन के ऊपर क्लिक करते ही सेम वही पेज आएगा। सबसे ऊपर ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर आपका नाम, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर नीचे रोल नंबर। आपने रोल नंबर कहीं पर नोट कर लेना, इसकी जरूरत आपको बाद में पड़ेगी। ऊपर ही ऊपर आपको बताया होगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है रिजेक्ट। तो दोस्तों इस प्रकार आप स्वयं ही आसानी से अपना रोल नंबर अपने मोबाइल से चेक कर सकते हैं। और दोस्तों यहां पर देखिए आप तुरंत ये रोल नंबर चेक करके नोट कर लेना ताकि आपको बाद में रोल नंबर की जरूरत पड़े तो आपको परेशान होने की जरूरत न पड़े। बहुत सारे जाते बाद में कहते हैं कि रोल नंबर खो गई। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, दोनों वेबसाइट का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और अभी के अभी अपने रोल नंबर चेक कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो आरपीएफ से जुड़ी पल पल की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।